दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले और पाए दुनिया भर की रोचक खबरें फटाफट। थैंक यू। कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही हर किसी को पर्वत पर शिवजी के दर्शन करने को मन करने लगता होगा। लोगों के जहन में तुरंत आने लगता है कि वो कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसलिए कैलाश पर्वत और मानसरोवर को धरती का केंद्र माना जाता है, जो कि हिमाचल के केंद्र में बसा है, और मानसरोवर को शिव का धाम का कहा जाता है। कहते हैं कि कैलाश पर्वत तक वहीं जा पाता है जिसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हर कोई कैलाश पर्वत तक नहीं जाता है, अर्थात व्यक्ति दूर से ही कैलाश पर्वत के पैर छूते हैं। लेकिन कभी किसी ने जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों लोग कैलाश पर्वत तक नहीं जा पाते हैं? क्योंकि कैलाश पर्वत आज अपने आप में प्राकृतिक और रहस्यमय पर्वत है। क्या आपको नहीं पता होगा ये सच कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है? जी हाँ, ये जानकर आप भी चौंक गए होंगे कि इतना विशाल शक्तिपूर्ण कैलाश पर्वत अंदर से कैसे खोखला हो सकता है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों और पुराणों की माने तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कैलाश पर्वत, जिसके शिखर की ऊंचाई 6714 मीटर मानी गई है, हालांकि इस पर कोई चढ़ाई तो नहीं कर सकता क्योंकि साल भर ये पर्वत सफेद बर्फ की चादर से ढका रहता है। बताया जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योग मिलारेप ने इस पर चढ़ाई की थी, जिसके बाद उन्होंने कैलाश पर्वत का अनुभव लोगों से शेयर किया था। बताया जाता है कि सच में कैलाश पर्वत के अंदर एक ऐसी सभ्यता बसी है, इसलिए कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जरूर इस पर्वत के अंदर एक शहर बसा है। वही वैज्ञानिक जार निकोलाय रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की और बहुत अध्ययन किया, जिसके बाद उन्होंने बताया कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़।